मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि इस देश में अभी संविधान को संपूर्णता बीजेपी के ओर से स्वीकार किया नहीं गया और वो बार बार आरएसएस बीजेपी एक तरफ प्रधानमंत्री भी एक तरफ ये बात करते हैं कि संविधान कभी नहीं बदलेगा, दूसरी तरफ वो ये कहते हैं, उनके लोगों से कहलाते हैं कि संविधान बदलने के लिए 2/3 मेजॉरिटी होना चाहिए, इसीलिए आप 2/3 मेजॉरिटी दो, हम संविधान बदलेंगे। ये कोई मामूली आदमी नहीं बोला, ये कोई फ्रिंज, क्या बोलते इसको, फ्रिंज एलिमेंट नहीं है, ये तो बीजेपी के नेता है, एमपीज हैं, आरएसएस संगठन है, ये पहले से बोलते आए हैं। आज फिर उन्होंने दोहराया, कर्नाटक में दोहराया और दूसरे जगह भी वो दोहरा रहे हैं कि इसको संविधान को बदलना चाहिए, क्योंकि वो लोग हमेशा सोशल जस्टिस के खिलाफ है और संविधान में जो सेक्युलरिज्म शब्द आया है उसके खिलाफ है और खास करके बीजेपी और आरएसएस और आरएसएस प्रमुख नेता जो हमारे क्या नाम मोहन भागवत जी सॉरी मोहन भागवत जी ये तो रिजर्वेशन के खिलाफ है। वो हमेशा यही बात करते हैं, कभी मेरिट की बात करते हैं, कभी संविधान बदलने की बात करते हैं, कभी रिजर्वेशन निकालने की बात करते हैं और कोई कहीं प्रश्न आया कोई पूछे नहीं, अब तो नहीं संविधान बदलेंगे, अब आगे देखेंगे।